एक्सेस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 की जो वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और जानकारी प्राप्त करते हैं क्या रहेगा आखिरी कटाव। यह संपूर्ण विश्लेषण है, आखिरी कटाव के बारे में संपूर्ण विश्लेषण है और 100% सटीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग की जानकारी के लिए बताता है, इससे पहले 69,000 टीचर भर्ती पर मैं एक महासर्वे कर चुका हूँ, जिसके वीडियोज आप लोग हमारे वीडियो पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर उपलब्ध होगा आप लोग को। और 69,000 टीचर भर्ती में महासर्वे किया था कि इसमें पास होने वालों की संख्या कितनी है। अगर 60-65 पर रिजल्ट आता है, 60-65 पर परिणाम आता है और 60-65 पर भर्ती संपन्न होती है तो पास होने वालों की संख्या क्या है, इस पर हमने महासर्वे किया था, जिसमें मैं खुद निर्धारित किया था कि पास होने वालों की जो संख्या है वो 85,000 से ज़्यादा नहीं होगी। और यह एक महासर्वे के आधार पर हुआ था, कम से कम 15 से 20,000 लोग इसमें प्रतिभाग किए थे, जिसके आधार पर इस सर्वे में रिजल्ट निकला कि पास होने वालों की जो संख्या है वो 85,000 के करीब है। और सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि जो सर्वे मैं किया हूँ, अब उसी सर्वे के आधार पर कई सारे चैनल हैं, अब वो भी कोई 85, कोई 87, कोई 88, कोई 84 करके पास कर रहा है, अपने सर्वे में बता रहा है। हालांकि उन लोगों का सभी सर्वे जो है झूठा है। पहला सर्वे मैं किया था और उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट मैं दिया था। तो वैसे ही यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 की वैकेंसी जो है, इसका आखिरी कटाफ क्या रह सकता है, इसको लेकर भी एक महासर्वे संपूर्ण विश्लेषण 100% सटीक होगा पीसीएस पाठशाला की तरफ से। और यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 का कटाफ क्या रहेगा, इसके बारे में रिसर्च जारी है। जो भी सर्वे होगा वो आप लोग को बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 के परीक्षा के बारे में बता दूं। यह एक परीक्षा थी जिसमें 2016 में इसका फॉर्म निकला हुआ था, जिसमें रिटेन जो था वो 425 नंबर का था। रिटेन जो है इसका 425 नंबर का है और इंटरव्यू जो होगा अभी होने वाला है और यह जो है 50 नंबर का है। इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन पर कुल 25 नंबर मिलने वाले हैं। स्पेशल क्वालिफिकेशन के अंदर 3 आएगा, बीएड, किसी प्रतियोगी ने बीएड किया हुआ है तो उसको 5 नंबर मिल सकते हैं, किसी ने एमएड किया हुआ है तो उसको 10 नंबर मिल सकते हैं, किसी ने पीएचडी या एमफिल किया हुआ है तब भी उसको 10 नंबर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कोई ऐसा प्रतियोगी है जो जिसने बीएड, एमएड, पीएचडी सब किया हो तो उसको कुल मिलाकर पूरा 25 नंबर मिल जाएगा। मतलब जितनी स्पेशल क्वालिफिकेशन के अंदर जितनी डिग्री लिए हुए हैं आप, उस पर आपको नंबर मिल जाएंगे। और यह जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है वो 25 नंबर का है, इंटरव्यू जो है 50 नंबर का है और जो रिटेन हुआ था वो 425 नंबर का था। अब नेशनल प्लेयर है अगर कोई तो उसको 5 नंबर मिलेंगे, तो अगर कोई नेशनल प्लेयर है तो उसको भी 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 5 नंबर बोनस मिल जाएगा। तो यह इसी के आधार पर, यह जो भी कुछ है इसी के आधार पर पूरी मेरिट बनेगी और इसी के आधार पर कटाव निर्धारित होगा। देखिए दोस्तों, अभी इंटरव्यू होना बाकी है, इंटरव्यू से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने रिटेन अच्छा किया है तो इंटरव्यू से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है। इंटरव्यू में उनको मिनिमम मार्क देना ही है। और रिटेन जो है आपका 425 नंबर का है, ये मत भूलिए। और जो इंटरव्यू है यह केवल 50 नंबर का है इंटरव्यू, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। देखिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसको लेकर एक महासर्वे मैं खुद कर रहा हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 का, कि आखिरी कटाफ क्या होगा। लेकिन क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो बार बार कह रहे थे कमेंट बॉक्स में आकर कि सर आप एक सर्वे करिए टीजीटी पीजीटी 2016 पर और आप बताइए कि कितना क्या रहेगा कटाफ। तो इसको लेकर मेरा रिसर्च जारी है और इसको लेकर मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा, जितना भी शेयर करने का माध्यम है, चाहे फेसबुक है या व्हाट्सअप है, उस पर आप इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस सर्वे में भाग ले सकें। तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कोई बकैती मत करिएगा, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपना नंबर बताइएगा, आप लोग नंबर सब्जेक्ट और कैटेगरी यह सभी आप लोग बताते रहिए अपने कमेंट बॉक्स में। नंबर अपना जितना नंबर आपका हो रहा है वह नंबर बताएं, सब्जेक्ट बताएं और अपनी कैटेगरी बताएं। नंबर में वो सब कुछ इंक्लूड करिएगा, स्पेशल क्वालिफिकेशन के अंदर भी कुछ है तो वह भी इंक्लूड करिएगा, और अपना आप सब्जेक्ट बताइएगा और उसके बाद अपना कैटेगरी बताइएगा। तो इस आधार पर हम एक सर्वे करेंगे। लेकिन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस महासर्वे में भाग लें। लेकिन एक बात और बता दूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि यह बस जो YouTube पर यह जो वीडियो है इस आधार पर ही पूरा सर्वे हो जाएगा, आपके बताने के आधार पर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा कम से कम 2 से
3 फेसबुक ग्रुप है जिसमें कम से कम 1.5 से 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी रिसर्च जारी है, उस पर भी रिसर्च जारी है। इसके अलावा 6 से 7 व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी रिसर्च जारी है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका रिसर्च जारी है पूरी तरह से, वहाँ पर भी सर्वे हो रहा है। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पूरा का पूरा महासर्वे हो रहा है। इस महासर्वे में आप भाग ले सकते हैं और पूरी तरह से आप लोग अपना सब्जेक्ट, कैटेगरी और जो भी नंबर आपके आ रहे हैं, प्राप्तांक आ रहे हैं, वह लोग आप लोग मेंशन करते रहिए कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, अदर जगह शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसका परिणाम सार्थक आ सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।